नो डायमंड टॉप अप कलेक्शन वीडियो पार्ट 2, यानी कि मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने अपना कलेक्शन बताया था, लेकिन अब मैं आपको जिसका कलेक्शन बताने वाला हूँ वो मेरा छोटा भाई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर सवाल रहता था कि भाई आपका क्या विशाल नाम है, यानी कि आपका चैनल का नाम रूपेंद्र है, लेकिन आपका जो आईडी का नेम है, यानी कि जो आपका रियल का नेम है, क्या वो यहाँ पर विशाल है? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो विशाल मेरे छोटे भाई का नाम है। और भाई आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर लिख के आ रहा है आरजी विशाल। अब आप कह रहे हो कि भाई जब आपके भाई का यहाँ पर आरजी विशाल नाम है, यानी कि आपके भाई का विशाल नाम है, तो फिर भाई आपके गेम पे लिए यहाँ पर विशाल नाम से क्यों आते हैं? यानी कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि भाई जो वीडियो में ओवरलैप के लिए मैं यहाँ पर जितने भी गेम प्ले लगाता हूँ वो आरजी विशाल की आईडी से आते हैं, ना कि मेरी आईडी से आते हैं। अधिकतर मैं बात करूँ 90% वीडियो इसी आईडी से आते हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि भाई इस आईडी से क्यों आते हैं? तो भाई बात कुछ इस प्रकार से कि मेरा जो छोटा भाई था, भाई इसने सबसे पहले फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया था, यानी कि मेरे से भी बहुत पहले। तब भाई ये वाला मेरा जो छोटा भाई था, तब भाई इसमें जब एयर ड्रॉप वगैरह आती थी तो मैं उसका परचेस कर देता था, फिर मैंने भी फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कुछ तो टॉप अप किया, यानी कि मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई मैंने टॉप अप किया है, लेकिन इतना टॉप अप नहीं किया जितना आप सोच रहे हो। कुछ करेक्टर वगैरह डायमंड टॉप अप में आए बोलिए, और कुछ पेट वगैरह आए बोलिए, और एक दो सब्सक्रिप्शन वगैरह ली बोली। लेकिन जब मैंने भाई अपने भाई का अकाउंट देखा, यानी कि मैंने जब यहाँ पर एड्रॉप वगैरह बहुत ज़्यादा कर दिए, और भाई मेरे भाई ने भाई स्मार्टली डायमंड को इन्वेस्ट किया और बहुत सारा कलेक्शन जोड़ लिया, यानी कि कलेक्ट कर लिया, तब भाई मुझे लगा कि भाई मेरे अकाउंट से अच्छा तो मेरे भाई का अकाउंट है। तब से मैं भाई इसी अकाउंट को यूज करने लगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बात करें ये वाला जो अकाउंट है मेरा छोटा भाई भी यूज करता है और मैं भी यूज करता हूँ, तो इसलिए तब से मैं भाई इसी अकाउंट को यूज करने लगा हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पर बात करें इसके अंदर भाई कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है, और भाई हम यहाँ पर बात करें इसके अंदर गन की स्किन भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें इसमें डायमंड टॉप अप बहुत ही कम किया गया है। तो इसलिए भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए भाई वीडियो को पूरा देखना। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास इसलिए होगा क्योंकि आज की वीडियो अपने यहाँ पर मेल और एंड फीमेल दोनों तरह के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और मेरे भाई के अकाउंट के अंदर जितना भी कलेक्शन वगैरह होगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो यार चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो भाई हम यहाँ पर बात करें ये वाला अकाउंट, इसके बारे में अपन यहाँ पर बाद में बात करेंगे भाई ये वाला अकाउंट ओवर पावर क्यों है, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर चलेंगे प्रोफाइल के अंदर, और प्रोफाइल के अंदर देखेंगे भाई ये प्रोफाइल किस प्रकार से। तो इधर देखो कि ये प्रोफाइल, और इधर हम बात करें सबसे पहला ऑप्शन आता है एलाइट पास का, और मुझे ये पता नहीं भाई एलाइट पास कहाँ से आई। अब मैं यहाँ पर बात बताऊँ मेरे भाई ने ही परचेस किए होंगे। अच्छा, तो इधर देखो जो यहाँ पर एलाइट पास है, बस मुझे तो इतना ही पता है कि यहाँ पर 1 से 2 एलाइट पास मैंने मिस्ट्री शॉप से लिए थे, यानी मैंने खुद यहाँ पर बाय करवाए थे, यानी कि जो एयरड्रॉप वगैरह आया था उससे लिया था। लेकिन 1 से 2 शायद मेरे ख्याल से 1 से 2 एलाइट पास है जो सब्सक्रिप्शन से परचेस किए थे, यानी कि आपको पता होगा 159 रुपये की सब्सक्रिप्शन में अपना आराम से 1 एलाइट पास आ जाता है। हमको सिखा दिया है। आपको भी पता होगा पहले के टाइम में यहाँ पर ग्रेस वगैरह दी जाती थी, एक्स्ट्रा डायमंड दिए जाते थे, यानी 7 दिन के बाद भी अपन को 3 या 4 दिन के लिए कुछ यहाँ पर डायमंड दिए जाते थे, तब अपन यहाँ पर एलाइट पास बड़े आराम से खरीद सकते थे। लेकिन जब से यार OB28 अपडेट आ गया, तब से भाई सब्सक्रिप्शन में कोई भी ग्रेस वगैरह नहीं मिल रही है, यानी कि जो एक्स्ट्रा डायमंड आते हैं वो अपन को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एलाइट पास वगैरह का यहाँ पर सीन वगैरह देख सकते हो भाई एलाइट पास किस प्रकार से। तो इधर देख लो ये मेरी UID वगैरह, लाइक्स वगैरह देख लो, रैंक वगैरह देख लो मेरे भाई के हैं, और मेरा भाई यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट है, पढ़ता है तो इतना ज़्यादा खेलता नहीं है, तो इसलिए मैं ही इसकी आईडी को यूज करता हूँ। तो आप यहाँ पर सारा अकाउंट वगैरह देख लो। अब हम यहाँ पर चलेंगे कहाँ पर चलेंगे, अपन यहाँ पर चलेंगे करेक्टर सेक्शन के अंदर, और करेक्टर सेक्शन के अंदर चल के देखेंगे भाई अपने पास कितने ज़्यादा करेक्टर हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर जो करेक्टर आता है वो आता है क्रोनो करेक्टर। वो आपको भी पता होगा कि जब यहाँ पर क्रोनो करेक्टर आया था फ्री फायर के अंदर, तब भाई 100 डायमंड टॉपअप पर ये वाला क्रोनो करेक्टर मिल रहा था, तो मैंने 100 डायमंड का टॉपअप किया। चीटिंग करता है तू। और फिर मैंने यहाँ पर क्रोनो करेक्टर बड़े आराम से ले लिया। दूसरा करेक्टर आता है के करेक्टर। अब आप कह रहे हो भाई ये के करेक्टर कैसे आया? तो अगर हम यहाँ पर बात करें के करेक्टर की, भाई ये के करेक्टर कहाँ से आया, तो आपको पता होगा कुछ समय पहले इंडिया सर्वर के अंदर 50% गिफ्ट स्टोर आया था, यानी कि अपन अपने दोस्त को कुछ भी गिफ्ट करेंगे वो भी 50% ऑफ में, यानी कि अपन यहाँ पर कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, बस अपना यहाँ पर 50% ऑफ होगा। तो यहाँ पर बात करें कुछ ही डायमंड कटेंगे, यानी 50% डायमंड ही कटेंगे। तब मेरे पास एक गेस्ट की आईडी पड़ी हुई थी, यानी कि जो गेस्ट का
अकाउंट था उसमें पहले 10 लेवल करने पड़ते थे, तो मैंने फटाफट से 10 लेवल किए और भाई ये बालक की करेक्टर ट्रांसफर कर दिया, तब मैं यूट्यूब पर नहीं था। अच्छा, यानी कि जितना भी आप कलेक्शन वगैरह देख पाओगे यूट्यूब से पहले था मैंने जब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, और जब से मैंने यहाँ पर चैनल स्टार्ट कर दिया तब से मैंने बहुत कम ही परचेस किया है। जब मुझे यहाँ पर बात करें मेरे दिमाग में सारा कुछ फिट हो चुका था कि भाई गरेना वाले कुछ अपन को ज्यादा ही कुछ लूट वगैरह रहे, तो फिर मैंने डायमंड टॉप अप नहीं किया। आलोक की बात करें तो भाई जो आलोक है भाई वो मैंने यहाँ पर कुछ एयर ड्रॉप परचेस किया था और कुछ यहाँ पर डायमंड टॉप अप लिया था, तो इस प्रकार से अपना आलोक आ गया। अब बात आती है भाई यहाँ पर जोसेफ वगैरह की, तो आपको पता ही होगा कि भाई इंडिया सर्वर के अंदर अपन यहाँ पर ओनली 1 डायमंड का टॉपअप करेंगे तो जोसेफ करेक्टर अपन को फ्री मिल जाता है, और बहुत सारे करेक्टर हैं जो अपन को यहाँ पर फ्री में मिलते हैं, लेकिन जो बुकॉन्ग करेक्टर है भाई ये फ्री में नहीं मिलता है। ये वाला करेक्टर अपन को फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में मिला था, यानी कि एक करेक्टर चूज करना था, तो मेरे भाई ने भाई यहाँ पर बात करी बुकॉन्ग करेक्टर चूज कर लिया और भाई ये बुकॉन्ग करेक्टर ले लिया, और बाकी जितने भी करेक्टर है सारे फ्री करेक्टर है। कोबरा फ्री मिला था, और जय करेक्टर तो आपको पता ही है, जब इंडिया सर्वर के अंदर ये जय करेक्टर आया था तब यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए थे, उन टास्क को कम्प्लीट करना था, तो उसके बाद अपन को जय करेक्टर भी मिल गया था। तो इस प्रकार से भाई करेक्टर सेक्शन है, और करेक्टर सेक्शन आप देखोगे नो डायमंड टॉप अप का करेक्टर सेक्शन हो गया, यानी कि अगर अपन ने यहाँ पर छोटे मोटे डायमंड टॉप अप किए तो इसमें कुछ नहीं होता है, यानी कि आपको पता होगा अगर अपन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डायमंड टॉप अप करेंगे तभी यहाँ पर बात करें डायमंड टॉप अप कलेक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर अपन यहाँ पर बहुत ही कम डायमंड टॉप अप किया है, तो इसलिए भाई अपना ये वाला कलेक्शन नो डायमंड टॉप अप हो गया, समझ रहे हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बोल्ड सेक्शन के अंदर कि अपने पास कलेक्शन किस प्रकार से, वो अपन ने यहाँ पर ले लिया है फीमेल करेक्टर, यानी कि अपना ऑटोमेटिकली फीमेल करेक्टर आ गया, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले फीमेल करेक्टर का ही कलेक्शन वगैरह टेस्ट करेंगे कि भाई जो अपना फीमेल करेक्टर है उसका कलेक्शन वगैरह किस प्रकार से। तो इधर देखोगे कुछ अपना एलाइट पास का कलेक्शन है, और बाकी आप जितना भी कलेक्शन देखोगे सारा कुछ फ्री है। ये वाला बंडल अपन को फ्री में मिला था, तो आप यहाँ पर देखोगे ये वाला भी यहाँ पर फीमेल का यहाँ पर कलेक्शन वगैरह, यानी कि आप यहाँ पर एक एक करके जितना भी फीमेल का यहाँ पर देखोगे। अरे कहना क्या चाहते हो। और यहाँ पर बिस का एक ऑप्शन आया था सेंटा क्लोज में, उसमें मेरी ख्याल से ये वाला यहाँ पर मिला था। और इधर आप यहाँ पर जितना भी फीमेल का कलेक्शन देखोगे एकदम नो डायमंड टॉप अप, यानी एलाइट पास को निकाल दिया जाए तो भाई अपन ने कोई भी बंडल परचेज नहीं किया है। चश्मे वगैरह की बात करें तो आप यहाँ पर चश्मे वगैरह देख लो, और ये वाला बंडल अपन को यहाँ पर डायमंड वाले में मिला था, तो ये वाला बंडल देख लो। और बाकी हम यहाँ पर बात करें जितना भी आप यहाँ पर कलेक्शन वगैरह देख रहे हो सारा कुछ फ्री है। ये वाला बंडल आपको पता ही होगा कि इंडिया सर्वर के अंदर फ्री मिला था। बाकी हम यहाँ पर बात करें जितना भी यहाँ पर फीमेल जितना भी अपना कलेक्शन वगैरह है, और ये अपना कुछ इवेंट वगैरह में आया था, कुछ एलाइट पास में आया था, और भाई ये देखोगे ये वाला हीरोक में मिला था, यानी हीरोक जाने पर मिला था। और अब यहाँ पर बात करें कुछ ऐसे भी यहाँ पर बंडल्स वगैरह हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री फायर वालों ने फ्री दिए थे, और ये वाला जो सेट देख रहे हो भाई ये FF टोकन में मिला था, और बाकी सारा कुछ देखोगे एकदम फ्री है। तो ये वाली जो यहाँ पर टी शर्ट देख रहे हो ये वाली टी शर्ट मैंने स्टोर के अंदर से परचेस की थी जब यहाँ पर लॉन्च हुई थी, और ये पबजी वाली शर्ट देख रहे हो एकदम बहुत ही बढ़िया शर्ट है, और ये वाली भी मैंने यहाँ पर स्टोर के अंदर से परचेस की थी। बाकी हम यहाँ पर बात करें जो फीमेल के पैंट वगैरह आते हैं वो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बात करें सारा कुछ फ्री का है, बस कुछ एलाइट पास वगैरह के आप यहाँ पर पैंट वगैरह निकाल दो, बाकी सब कुछ फ्री का है। तो आप यहाँ पर देख लो भाई कितना ज़्यादा कुछ अपने पास फ्री का है। फीमेल की यहाँ पर बात करें जो जूते वगैरह आते हैं वो सारे कुछ फ्री के, यानी कि जो यहाँ पर देख लो यही वाला फीमेल का जो जूता है जो अपन को मतलब बात करें पैसों में मिला था, यानी कि एलाइट पास है, बाकी यहाँ पर सब कुछ फ्री है। यानी कि हम यहाँ पर बात करें ये वाला आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। अब आप कह रहे हो भाई ये वाले जूते कहाँ से आए, तो आपको पता होगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक यहाँ पर डेली स्पेशल में एक कोई क्रेट आता है जिसके अंदर एक फीमेल का बंडल निकलता है स्ट्रीट बॉय बंडल जैसा, तो वो ओपन की थी तो भाई उसमें पूरा बंडल तो नहीं निकला था, पर यहाँ पर बात करें ये वाला जूता जरूर निकल गया था हमको सिखा दिया है। तो इस प्रकार से भाई ये वाला यहाँ पर जूता वगैरह है। और अब हम यहाँ पर बात करें बाकी जूतों की, तो भाई इधर कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं जिनको मैं आपको दिखा सकूँ, तो यार रहने देते हैं। बाकी इधर हम बात करें ये वाले बंडल, तो आपको पता होगा ये वाला बंडल अपन को रिडीम कोड पे मिला था, और ये वाला बंडल बात करें तो एक बिस का इवेंट आया था क्रिसमस डे के दिन, तो भाई क्रिसमस डे के दिन अपन को ये वाला बंडल यहाँ पर बिस में मिला था, और बहुत सारे भाइयों को ये वाला बंडल फ्री निकला था। और जिन भाइयों का निकला था भाई यार कमेंट में जरूर बताना भाई मेरा निकला था। और उधर हम बात करें बंडल सेक्शन की, तो ये वाला लाइट पास का बंडल देख पा रहे हो अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो चलो पहन लेते हैं ओपन कर लेते हैं। और ये था भाई लाइट पास का बंडल, तो आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन ये था अपने यहाँ पर फीमेल का कलेक्शन। अब अपने यहाँ पर लेंगे मेल करेक्टर, और अपन यहाँ पर देखेंगे लेजेंडरी अपना यहाँ पर मेल का कलेक्शन। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पर मेल का कलेक्शन की, भाई अपने पास मेल का कलेक्शन किस प्रकार से, तो आप एक एक करके भाई सारा मेल का कलेक्शन देखोगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करें जो मेरा भाई लकी है वो यार डायमंड रॉयल के मामले में, यानी कि भाई जितने भी लेजेंडरी डायमंड रॉयल के अंदर बंडल आए वो भाई मेरे भाई ने सारे निकाल के रखे हैं। तो आप एक करके ये वाला बंडल देख लो, ये वाला बंडल देख लो, और भाई एक और बंडल आया था मेरे ख्याल से कहाँ गया ये वाला बंडल, तो आप यहाँ पर देखोगे ये वाला बंडल भी डायमंड रॉयल के अंदर आया, वो ही मेरे भाई ने निकाल लिया। यहाँ पर बात करें जितने भी लेजेंडरी बंडल डायमंड रॉयल के अंदर आया जब से खेलना स्टार्ट किया है तब से भाई मेरे भाई के पास यहाँ पर लेजेंडरी डायमंड रॉयल के बंडल हैं। तो ये था अपने यहाँ पर कैप सेक्शन, बाकी हम बात करें ये है अपना यहाँ पर चश्मा सेक्शन, तो चश्मा सेक्शन देख लो। अब हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर मास्क का सेक्शन, यानी जो अपना फेस का होता है वो आप यहाँ पर देख लो।
बाकी आता अपना यहाँ पर शर्ट सेक्शन, तो आप यहाँ पर शर्ट सेक्शन देख लो भाई किस प्रकार से अपना शर्ट सेक्शन है। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कुछ लाइट पास को निकाल दिया जाए, बाकी आप यहाँ पर देखोगे कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जो अपन ने स्टोर से परचेज की है। ये वाला बंडल अपन को मैजिक क्यूब रिडीम पे मिला था, और बाकी आप यहाँ पर देखोगे रिच का बॉडी बाय वन गेट टू फ्री वाला एक इवेंट आया था, समझ रहे हो, उसमें अपन ने लिया था। और बाकी आप यहाँ पर जितना भी यहाँ पर कलेक्शन वगैरह देख पा रहे हो एकदम फ्री है। और ये वाला कोड तो आपको पता ही होगा यहाँ पर लाइट पास के बॉक्सेस में निकला था, और बाकी आप यहाँ पर देख लो बाकी वही सारा कुछ अपने पास कलेक्शन है। पैंट वगैरह की बात करें तो आप यहाँ पर पैंट का सेक्शन देख लो भाई किस प्रकार से सारा कुछ पैंट का सेक्शन है। हमें यहाँ पर बात करें ये वाला बंडल तो भाई एकदम ओवर पावर बंडल है, और भाई ये वाला बंडल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाला बंडल भाई हमें अगर बात करें एक लाइट पास का डिस्काउंट आया था, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने लाइट पास लिया था उसमें भाई ये वाला बंडल मिला था। और बाकी हम यहाँ पर बात करें जज पेंट, तो भाई जज पेंट की तो पूछो ही मत, क्यों भाई ये तो हर बंदे की, मतलब यहाँ पर बात करें हर भाई की पहली पसंद है भाई जज पेंट, तो ये जज पेंट भी अवेलेबल है। अब बस ये मत कहना कि डायमंड टॉपअप पे लिया था, क्योंकि आपको भी पता होगा अभी इंडिया सर्वर के अंदर एक इवेंट आया था जिसमें जज पेंट बहुत ही सस्ते में मिला था। चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग करता है तू। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर पेंट सेक्शन है। और बाकी हम यहाँ पर बात करें जूते सेक्शन की, तो भाई आप यहाँ पर सारा जूता सेक्शन देख लो, और कुछ ऐसे जूते होंगे जो अपन ने यहाँ पर स्टोर से परचेस की थी, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये चप्पल वगैरह होगी ये वाले, और अपन ये सारे कुछ जूते वगैरह स्टोर से परचेस की थी। और बाकी अपने पास जूते सेक्शन के अंदर कुछ भी खास है नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी अपने यहाँ पर शूज सेक्शन है उसके अंदर अपन को कुछ भी लेजेंडरी नहीं मिलेगा, और अपने पास कोई बंडल्स वगैरह भी नहीं मिलेगा, जैसे निंजा वगैरह के बंडल हो गए वो कुछ नहीं मिलेगा। तो इधर हम यहाँ पर बात करें अपने कलेक्शन सेक्शन के अंदर क्रिएट सेक्शन आता है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एयर ड्रॉप की गन की क्रिएट, तो आप यहाँ पर देखोगे। और ये मेरे भाई ने भाई ओपन करने से मना किया, क्योंकि उसका कहना है कि जब अपने यहाँ पर इनको 3 महीने बाद ओपन करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई अपन को लाइफ टाइम निकलेगी। तो मेरे भाई ने सोचा कि भाई अब अपन यहाँ पर इन गन की जो क्रेट है इनको 3 महीने तक रखेंगे अपने वोल्ट सेक्शन के अंदर, फिर तब जाकर अपन इनको ओपन करेंगे, तब जाकर भाई उसकी ये फेवरेट एक के ड्रैगन स्किन निकलेगी जो मेरा भाई है उसकी भाई ये वाली फेवरेट है। और बाकी आप यहाँ पर सारी क्रेट सेक्शन वगैरह देख सकते हो। और इधर देखोगे अदर सेक्शन, और जो अदर सेक्शन है उसके अंदर आपको 2 मैजिक क्यूब मिलेंगे, कुछ फ्रेगमेंट मिलेंगे, 8 स्टोन मिलेंगे, 5 नेम चेंज कार्ड मिलेंगे, और इतना सारा आप यहाँ पर देख सकते हो वाउचर वगैरह मिलेंगे म्यूजिक। तो भाई अपन यहाँ पर बात करें तो अपना यहाँ पर बोल्ट सेक्शन सब कुछ देख लिया, यानी जो बोल्ट का सेक्शन है बोल्ट सेक्शन होता वो अपन ने सारा कुछ देख लिया। अब अपना आता है भाई पैट सेक्शन, तो चलो यार पैट सेक्शन भी दिखा देते हैं कि जो बैगर पैट है आपको भी पता होगा 200 डायमंड टॉपअप पे वाला बैगर पैट आया था वो अपन ने लिया था डायमंड टॉपअप पे, और जो फाल्को पैट आया था वो अपन को एकदम फ्री मिला था। और उसके बाद अपने पास एक और पैट अवेलेबल है यहाँ पर बात करें एक बीस्टन है, और जो पांडा पैट है वो तो फ्री मिला था, और ये वाला बीस्टन पेट अपन ने डायमंड टॉपअप पे लिया था, और बाकी अपन ने कुछ भी डायमंड टॉपअप पे नहीं लिया, ना ही रॉकी पेट लिया, ना ही ड्रैकी पेट लिया, ना ही ये मूनी पेट लिया, और जितने भी पेट आए भाई कोई भी पेट नहीं लिया। तो ये था अपने यहाँ पर पेट सेक्शन। अब अपन यहाँ पर चलेंगे किसके अंदर, अपन चलेंगे भाई यहाँ पर कलेक्शन सेक्शन के अंदर, और कलेक्शन सेक्शन के अंदर देखेंगे भाई अपने पास कितने प्रकार की इमोट है। तो इधर देखो भाई जो मेरे भाई का अकाउंट है उसके पास जो भाई इमोट वगैरह एकदम सारे कुछ फ्री के हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कोई भी डायमंड टॉपअप की कोई भी यहाँ पर इमोट वगैरह नहीं है। कुछ इलाइट पास के यहाँ पर बात करें बॉक्सेस में निकले थे, और कुछ इलाइट पास के भी इमोट हैं, जैसे ये वाला हो गया, अब यहाँ पर जो इमोट आता है इलाइट पास का वो ये वाला, और बाकी जितने भी आप यहाँ पर इमोट देखोगे या तो भाई यहाँ पर एयर ड्रॉप में मिले थे या फिर भाई फ्री फायर वालों ने फ्री में दिए थे वो भी आपको भी दिए होंगे। व्हीकल की स्किन की बात करें तो आप यहाँ पर व्हीकल की स्किन देख लो भाई यहाँ पर सारी कुछ फ्री की है, तो मॉन्स्टर वगैरह की स्किन देखोगे भाई कितनी ज़्यादा अवेलेबल है, और सारी स्किन अपन को फ्री मिली थी। बाकी जीप की स्किन की बात करें तो आप यहाँ पर जीप की स्किन भी देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा जीप की स्किन है, यानी कि ये वाली लाइट पास में मिली थी और ये वाली हम यहाँ पर बात करें फ्री में मिली थी। बैकपैक की बात करें तो आप यहाँ पर बैकपैक देखोगे भाई एक से बढ़कर एक बैकपैक अवेलेबल है, और बहुत सारे बैकपैक ऐसे हैं जो फ्री के हैं। और भाई मेरे भाई के पास जितना भी कलेक्शन वगैरह भाई वो एकदम बहुत ही लेजेंडरी कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि भाई जो मेरे भाई है भाई उसने जो डायमंड वगैरह उनको स्मार्टली इन्वेस्ट किया है, यानी कि भाई क्योंकि उसको भाई हमेशा तलाश रही थी 50% ऑफ इवेंट की, जब भी 50% ऑफ इवेंट आता है उसमें भाई वो बहुत सारा परचेस कर लेता है। तो भाई इधर देख लो बैकपैक की बात करें तो इधर बैकपैक वगैरह देख लो। अब अपना यहाँ पर ऑप्शन आता है यहाँ पर बात करें लूट बॉक्स वगैरह की, भाई इस अकाउंट के अंदर कितने ज्यादा लूट बॉक्स अवेलेबल है, तो भाई लूट बॉक्स की तो भाई कोई भी यहाँ पर यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप यहाँ पर देख सकते हो। स्काइबिंग की बात करें तो अपन ने कोई भी स्काइबिंग नहीं लिया है, बस यही वाला स्काइबिंग अपन को फ्री मिला था वही है। सर्वर बोर्ड की बात करें तो सर्वर बोर्ड आप देखोगे जितने भी सर्वर बोर्ड है या तो लाइट पास में मिले थे या फिर गैरेना वालों ने फ्री में दिए थे, अपन ने स्टोर के अंदर से कोई भी एक भी सर्वर बोर्ड यहाँ पर परचेस नहीं किया है, यानी कि हम यहाँ पर बात करें कोई भी एक स्केट बोर्ड अपन ने कोई भी परचेस नहीं किया, या तो गरीना वालों ने फ्री में दिया है या फिर लाइट पास में मिले थे। पैराशूट की बात करें तो ना तो अपन ने यहाँ पर पैराशूट परचेस किए हैं और ना ही मुझे लग रहा है कभी अपन को लाइट पास में मिले, जितने भी यहाँ पर पैराशूट अवेलेबल है वो सारे अपन को फ्री में मिले थे। गरीना वाले आए दिन यहाँ पर पैराशूट तो फ्री में देते रहते हैं, पर करेक्टर का नाम लो तो भाई चिड़ जाते हैं और करेक्टर कभी अपन को फ्री में देते नहीं है। तो इस प्रकार से भाई अपना यहाँ पर कलेक्शन वगैरह। अवतारो बैनर की बात करें तो इतने ज़्यादा लेजेंडरी अवतारो बैनर है नहीं तो मैं इनको बताऊंगा भी नहीं। तो अपन ने यहाँ पर बात करें कलेक्शन सेक्शन देख लिया, लेकिन अब जो
बात आती है वो आती वेपन सेक्शन, और वेपन सेक्शन के अंदर देखेंगे भाई वेपन सेक्शन किस प्रकार से। वेपन सेक्शन के अंदर जो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है वो आता है M4A1 की स्किन की। तो आप यहाँ पर देखो जो M4A1 की स्किन है वो दीपावली पर एकदम फ्री मिली थी, तो आप यहाँ पर M4A1 की स्किन देख लो। एक एक स्किन की बात करें तो इधर कोई लेजेंडरी स्किन वगैरह अवेलेबल नहीं है। जो विंटरलैंड की अपन को फ्री में स्किन मिली थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। M14 की स्किन की बात करें तो अपने पास कोई भी M14 की स्किन नहीं है। क्यूपिड की बात करें यानी जो स्कार की स्किन है वो तो आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पर बात करें जो अपना यहाँ पर जो रीजनल बैटल आता है उसके अंदर क्रेडिट वगैरह मिलती है, तो उधर से अपन को यहाँ पर लाइफ टाइम निकली थी। ग्रोजा की स्किन की बात करें तो इधर भाई ग्रोजा की स्किन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फेमस की स्किन है भाई यहाँ पर देखोगे एक से बढ़कर एक फेमस की स्किन यहाँ पर अवेलेबल वगैरह है, तो आप ये भी देख सकते हो। अब बात करते हैं एक्समेट की स्किन, तो एक एक लोती एक ऐसी स्किन है जो है लेजेंडरी। ए बार स्किन की बात करें काफ़ी हद तक बढ़िया है, लेकिन भाई इनको कोई यूज नहीं करता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ भाई। इसमें डबल रेट ऑफ फायर है और भाई बढ़िया आराम से चलती है, तो इस प्रकार से ये वाली एक्समेट की स्किन काफ़ी रेयर है। अगर आपकी यहाँ पर फेवरेट है ये वाली स्किन तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। फिस्ट की स्किन की बात करें तो भाई मेरे पास कोई भी फिस्ट की स्किन अवेलेबल नहीं थी इस अकाउंट में, तब मैंने भाई ये वाली फिस्ट की स्किन निकाली थी। और ये वाली फिस्ट की स्किन यार बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये डायमंड टॉप अप पे मिली थी। थोड़ा बहुत अगर अपन यहाँ पर डायमंड टॉप अप कर लेते तो इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अपन जितना डायमंड टॉप अप कम करेंगे उतना ही अपने लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर ये वीडियो था, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।